हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज पूजा राठौर एंड आज की वीडियो में हम क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 1 रीड करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द क्रिस्टल केव एंड दिस इज योर पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट। द नॉर्थ ट्राइब लिव्स इन द रिवर इन माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट ऑन ट्विरप इन द ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। Here is a story of Thanyak and Changun, two brave Nok children. क्या है इस स्टोरी में कि Nok ट्राइब जो कि अरुणाचल प्रदेश की कोई स्टेट है जिसमें तिरप नाम का डिस्ट्रिक्ट है, माउंटेनियस है, एक्चुअली वो पहाड़ों की तरह है, पहाड़ों पर है वो डिस्ट्रिक्ट तिरप जो कि अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में है। वहाँ पे एक ट्राइब है Nok ट्राइब जो कि लिव्स इन द रिवरिन। रिवरिन क्या होती है जो कि रिवर के पास, आप कह सकते हो कि वो ट्राइब रिवर के पास रहता था। सो वहाँ की एक छोटी सी स्टोरी है और ये स्टोरी जो है Thanyak एंड Changun के स्टोरी है जो कि दो ब्रेव चिल्ड्रन थे वहाँ के Nok ट्राइब के। सो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि इन बच्चों ने किया क्या था, इस स्टोरी के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो टेस्ट दिस, ग्रैंडमा कैमलोंग सेड। शी स्कूप्ड आउट अ लिटिल फुल ऑफ ब्रॉथ फ्रॉम द पैन ओवर द फायर प्लेस। इट स्मेल्ड डिलीशियस। ग्रैंडमा ब्लू ऑन द बम्बू लिटिल टू कूल द ब्रॉथ। देन शी पोर्ड अ लिटिल इनटू Thanyak एंड Changun's ओपन माउथ्स। क्या है इसमें कि ग्रैंडमा कैमलोंग क्या करती है, बच्चों को बोलती है टेस्ट दिस एंड उन्होंने एक लेडल फुल, क्या होता है चम्मच भर के, ब्रॉथ होता है एक सीम्स लाइक अ सूप जो कि फायरप्लेस में, फायरप्लेस जैसे एक चिमनी टाइप का जो विलेज एरिया में आप देखते हैं ना चूल्हा टाइप का होता है, उस पर उन्होंने रखा हुआ था एक पैन जिसमें वो सूप बना रही थी। उसमें से उन्होंने एक पूरा चम्मच भर के अपने बच्चों को दिखाया तो बच्चे ने बोला कि इट स्मेल डिलीशियस, कि इसकी जो स्मेल है वो तो डिलीशियस है। तो ग्रैंडमा ने क्या करा, उसको फूंक मारा चम्मच को जो किससे था, बम्बू लेडल आप जैसे बोल सकते हैं, बम्बू से बनी हुई थी ताकि वो जो आपका सूप है वो ठंडा हो जाए। दैन जब वो ठंडा हो गया तो उन्होंने बच्चों के मुँह में दिया, मतलब थोड़ा 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 Thanyak को, थोड़ा Changun को उनके माउथ में वो सूप डाल दिया। दैन Yuck! exclaimed Thanyak. It tastes awful. Thanyak ने एकदम क्या बोला कि yuck, छी, इसका टेस्ट तो बहुत ही बेकार है। Don't like it, do you? said Grandma with a toothless grin. But watch now. Using the ladle, she scooped up a little salt from a wooden bowl and put it into the broth. She sang a Nok ballad as she stirred. Then she made the children taste the broth once more. Delicious, Grandma, they said, smacking their lips in approval. Grandma ने क्या बोला, Don't like it, do you? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? Then Grandma ने थोड़ी सी हंसी, ग्रीन क्या होता है स्माइल, तो Grandma ने थोड़ी सी स्माइल दी। फिर उन्होंने बोला कि बट वॉच नाउ, पर अब देखो। उन्होंने क्या किया कि एक चम्मच में थोड़ा सा सॉल्ट लिया और जो वो जिसमें वो सूप बना रही थी उसमें उन्होंने डाल दिया, मिक्स कर दिया। एंड जब वो उसको स्टायर कर रही थी, जब वो उसको मिक्स कर रही थी, देन शी सेंग आ Nok पैलेट, जो कि उस ट्राइब में एक आप कह सकते हो कि वहाँ का जो संगीत है, जो गाना है, जो एक ट्राइब में गाया जाता है, वो गाने लगी उसे मिक्स करते हुए। एंड देन उन्होंने दोबारा वो सूप अपने बच्चों को, जो उसके ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर थी, दोनों को टेस्ट कराया। अब क्या करते हैं बच्चे, बोलते हैं डिलीशियस ग्रैंडमा, कि ये तो बहुत ही टेस्टी है। और जैसे हमें कोई चीज़ टेस्टी लगती है तो हम लिप्स को थोड़ा सा मूव करते हैं ना टंग के साथ, इन द सेम वे दोनों बच्चों ने किया और बोला कि ये तो बहुत ही डिलीशियस है। मैजिक इजंट इट, ग्रैंडमा सेड, द ब्रोथ वॉज टेस्टलेस बिफोर बट नाउ इट इज़ डिलीशियस, वट कॉज्ड दिस मिरेकल। फिर ग्रैंडमा ने क्या बोला बच्चों को, ये जादू है ना, क्योंकि जो आपने ब्रोथ
जो आपने सूप पहले टेस्ट किया था दैट वॉज टेस्टलेस, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं था, बट नाउ अब तो ये डिलीशियस है। क्या तुम इस जादू का रीज़न जानते हो? मिरेकल मीन्स सम मैजिक। क्या इस जो ये मैजिक हुआ है इसका रीज़न डू यू नो दैट? देन चिल्ड्रन क्या बोलते हैं? सॉल्ट, द चिल्ड्रन सेड इन कॉरस। कॉरस क्या होता है? जैसे ग्रुप में आपने चर्च में देखा होगा सारे एक साथ प्रेयर करते हैं, राइट? तो एक कोई भी ग्रुप जब कोई चीज़ एक साथ बोलता है या गाते हैं उसे हम कहते हैं कॉरस। तो दोनों बच्चों ने एकदम बोला सॉल्ट। ग्रैंडमा प्लेड थ्री रीड मैट्स अपॉन द फ्लोर एज वेल एज डिशेज ऑफ वुडेड टम्बलर्स। ग्रैंडमा ने क्या करा? तीन रीड्स रखी। रीड्स क्या होती है कि आप कह सकते हो कि टॉल थिन प्लांट जो कि ग्रास से बनी होती है उसको उन्होंने नीचे रखा, जैसे मैट अपॉन द फ्लोर, मैट रखे फ्लोर पर। दैन जो डिशेज हैं वुड की एंड बम्बू टम्बलर वहाँ पर उन्होंने सर्व किया। लेट लिंक आउट स्टीमिंग राइस एंड ब्रॉथ ऑन द प्लेट्स एंड देन उन्होंने क्या करा कि जो स्टीमिंग राइस थे, लेटलिंग आउट का मतलब उसको सर्व करा, स्टीमिंग राइस को, ब्रॉथ को उनके प्लेट में। एंड देन शी सेड दैट्स राइट फॉर द नॉर्थ सॉल्ट इज मोर प्रेशियस दैन गोल्ड। कि हाँ बिल्कुल ठीक, जो सॉल्ट है वो गोल्ड से भी ज़्यादा प्रेशियस है। प्रेशियस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हो कि विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ, तो वो गोल्ड से भी ज़्यादा प्रेशियस है, बहुमूल्य आप बोल सकते हैं। अवर विलेज वॉज रिच इन द पास्ट कॉन्टिन्यूड ग्रैंडमा, वी ग्रो मिलेट एंड पैडी इन अवर फील्ड्स, द जंगल्स गेव अस शर्ब्स फर्न्स एंड फ्रूट्स, अवर यंग मैन वेंट हंटिंग फॉर मीट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी हैड सॉल्ट। ग्रैंडमा क्या बताती है बच्चों को कि जो हमारा विलेज था पास्ट में बहुत ही रिच था। Why? Because हम मिलेट ग्रो करते थे, पैजी ग्रो करते थे। मिलेट क्या होता है? आप बाजरा बोल सकते, बाजरा होता है। पैडी जो है वो धान होता है। वो कहते हैं कि हम अपने खेतों में मिलेट एंड पैडी ग्रो करते थे, जंगल जो था वो हमें श्रब्स देता था, फर्न्स देता था एंड फ्रूट्स देता था, और जो हमारे यंग मैन थे गांव के वो हंटिंग करते थे मीट के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्या था? नमक था, सॉल्ट था। डिड वी मेक अवर ऑन सॉल्ट ग्रैंडमा? चंगू आस्क्ड सरप्राइज। चंगुन ने सरप्राइज होते हुए पूछा कि ग्रैंडमा क्या हम अपना सॉल्ट खुद बनाते थे? यस वी डिड, अ सॉल्ट स्प्रिंग यूज्ड टू फ्लो बाय आवर विलेज, वी बिल्ड शैलो ट्रॉग्स एंड फिल डैम विद सॉल्ट वाटर, द सन ड्राइड अवे द वाटर, लिविंग ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट इन द ट्रॉग्स। क्या बोला इस पैराग्राफ में कि ग्रैंडमा बोलती है यस वी डिड, हमने किया है ये। सॉल्ट स्प्रिंग जब आती थी हम उसे यूज़ करते थे, यूज्ड टू फ्लो बाय आवर विलेज, उसे यूज़ किया जाता था हमारे गांव के लोगों के थ्रू। हम क्या करते थे? वी बिल्ट शैडो और शैलो ट्रॉस एंड फिल्ड देम विद सॉल्ट वाटर, कि हम एक ट्रॉफ बनाते थे। ट्रॉफ क्या होता है? एक कंटेनर आप बोल सकते हो जो कि लंबा होता है, लकड़ी का ही बनाते थे कंटेनर जो एक लंबा सिलेंड्रिकल शेप में होता है। वो कहते थे कि हम ऐसा बनाते थे उससे जो सॉल्ट वाटर है उससे उसको फिल कर लेते थे। अब जब वो फिल कर लिया देन सन क्या करता था? वो पानी को ड्राई कर लेता था, वाटर ड्राई हो जाता था सन से, एंड उसमें सिर्फ क्या बचता था? सॉल्ट बचता था, सॉल्ट के ग्रेन बचते थे। मस्ट हैव बीन अ सॉल्ट लॉट ऑफ सॉल्ट, थेयांग ऑब्जर्व। थेयांग ने ऑब्जर्व किया कि वो ज़रूर हम मतलब दैट मीन्स कि हमारे पास बहुत सॉल्ट होता था। यस मच मोर देन व्हाट आवर विलेज रिक्वायर्ड, आवर मैन स्टफ द सरप्लस इनटू होलो बम्बू ट्यूब्स एंड टुक इट टू द प्लेन्स। ईच विंटर दे बार्टर्ड द सॉल्ट फॉर क्लॉथ बीड्स एंड अदर नेसेसिटीज। कि यस ग्रैंडमा ने क्या बोला? यस इवन इतना सॉल्ट होता था कि जो
गांव वालों को रिक्वायरमेंट होती थी उससे ज़्यादा होता था। तो हम लोग क्या करते थे कि हम जो भी सरप्लस होता था, जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट होता था, उसे स्टफ करते थे, उसे भरते थे किसमें, जो होलो बम्बू था, ट्यूब्स, बम्बू की ट्यूब्स बनाते थे जो कि होलो होती थी, खाली होती थी अंदर से, उसमें वो सॉल्ट भरते थे, देन उसको प्लेन जगह पे लेके जाते थे। प्लेन जगह क्या बोलते हैं, क्योंकि ये जो जहाँ रहते थे ये ट्राइब जो था वो माउंटेनियस था, मतलब पहाड़ों में था, तो वो वहाँ से नीचे प्लेन सरफेस पे जाते थे और ये हर विंटर में होता था। अब उस सॉल्ट के बदले वो क्या करते थे, सॉल्ट को वो एक्सचेंज करते थे, इट्स नॉट फॉर मनी, वो मनी नहीं लेते थे, सॉल्ट किसी को दे के जिनको ज़रूरत होती थी उनसे वो कोई कपड़े या बीड्स हो गया या कोई अदर जो उनकी नेसेसिटी होती थी उसे वो लेते थे। बट देयर इज़ नो सॉल्ट स्प्रिंग नाउ, चंगुन सेड। चंगुन कहती है बट अब तो कोई स्प्रिंग सॉल्ट स्प्रिंग होती ही नहीं। ग्रैंडमा सैड। ग्रैंडमा थोड़ी सी उदास हुई, सैड का मतलब होता है गहरी सांस लेना। देन व्हाट शी सेड, आवर विलेज इज पुअर नाउ, वी आर नो लॉन्गर सेल्फ सफिशियंट, आवर मैन वॉक टू खानसा टाउनशिप टू बाई सॉल्ट। ग्रैंडमा क्या कहते हैं कि हमारा जो विलेज है, जो हमारा गांव है, वो पुअर हो गया है, अब हम उस कंडीशन में नहीं हैं, हमारे पास सफिशियंट, खुद के लिए ही सफिशियंट नहीं होता, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं दे वॉक टू खानसा टाउनशिप, वो इस टाउन में जाते हैं एंड वहाँ से अपने लिए ही सॉल्ट बाय करते हैं। डिड द सॉल्ट स्प्रिंग ड्राई अप, थैनियांग आस्क्ड। थैनियांग ने पूछा कि क्या जो सॉल्ट स्प्रिंग है वो सूख गई है क्या। यस इट हैपेंड वन विंटर ईयर्स एगो, अवर सोर्स ऑफ वेल्थ ड्राइड अप विद इट। ग्रैंडमा ने क्या बोला, यस हाँ ऐसा ही हुआ था एक विंटर में बहुत साल पहले, जो हमारी वेल्थ का सोर्स था वो उसके साथ साथ भी ड्राई हो गया। Why did it dry up? Persisted Thayang. Thayang ने फिर सोचा, फिर बोलता है कि वो कैसे ड्राई हुई, क्यों हुई। No one knows. Grandma ने क्या बोला, कोई नहीं जानता। Tell me, Grandma, he said, if the spring flows again, will it bring prosperity to our village? तो बच्चों ने क्या बोला कि Tell me, Grandma, हमें बताओ Grandma, कि थैनियांग ने बोला कि हमें ग्रैंडमा हमें बताओ, मुझे बताओ कि अगर वो स्प्रिंग दोबारा फ्लो करेगी तो क्या वो हमारे गांव में प्रॉस्पेरिटी लाएगी, मतलब खुशियाँ। सर्टेनली स्माइल ग्रैंडमा कम लॉन्ग, ग्रैंडमा ने स्माइल करते हुए कहा, सर्टेनली शायद। एंड यस लेटर इन द आफ्टरनून थैनियांग एंड चंगुन वेंट टू सर्च द स्पॉट वेयर द सॉल्ट स्प्रिंग हैड फ्लोट इन टू द रिवर। टू देयर सरप्राइज दे हैड नो डिफिकल्टी, द फुरो थ्रू विच द सॉल्ट स्प्रिंग हैड फ्लोट वॉज क्लियरली विजिबल, ओनली फर्न्स एंड क्रीपर्स कवर्ड द फुरो, दे कुड सी इट वेंट अप द माउंटेन अ रिबन ऑफ लाइट ग्रीन अगेंस्ट द डार्कर ग्रीन ऑफ डेंस जंगल। थैनियांग क्राइड, वी कैन फॉलो इट अपस्ट्रीम। क्या हुआ, लेटर इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में थैनियांग एंड चंगुन जहाँ से वो सॉल्ट स्प्रिंग आती थी राइट, उस स्पॉट को वो सर्च करने निकले एंड फ्लोट इन टू द रिवर, जो कि रिवर में फ्लो करती थी उस स्पॉट को वो सर्च करने निकले। एंड टू देयर सरप्राइज दे हैड नो डिफिकल्टी, एंड सरप्राइज ये था कि उन्हें कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं हो रही थी। वाई, बिकॉज जो फूरो था, फूरो क्या होता है, एक आप कह सकते हो जैसे कि फील्ड में हम लाइन आप बनाते हैं जिसमें हम सीड्स डालते हैं उसमें राइट, ताकि हमारी फील्ड अच्छी सी हो जाए, तो ऐसी ही एक लाइन थी एंड जिसमें क्या था कि विच थ्रू विच जो सॉल्ट स्प्रिंग थी वो फ्लो कर रही थी और क्लियरली विजिबल हो रहा था उस लाइन में, मतलब एक पतली सी लाइन थी, एक पतली सी गली थी जिसमें से वो फ्लो कर रही थी। सिर्फ था क्या, जो फर्न्स थे, जो क्रीपर्स थे, क्रीपर्स क्या होते हैं, जैसे बेल आप बोल सकते हैं, जो कि वॉल पर
ग्राउंड के साथ साथ या फिर किसी ट्री पर आती है, राइट। वो सिर्फ उनसे कवर था वो फूरो, इसलिए लोगों को वो विजिबल नहीं हो रहा था, वो गली जो है उन्हीं से घिर गई थी। दे कुड सी इट वाइंड अप द माउंटेन अ रिबन ऑफ लाइट ग्रीन अगेंस्ट अ डार्कर ग्रीन ऑफ डेंस जंगल। वो देख सकते थे कि उस माउंटेन पे एक कह सकते हो एक रिबन ऑफ लाइट ग्रीन, एक हल्की सी लाइट ग्रीन का एक रिबन था जो कि उस डार्कन ग्रीन ऑफ डेंस जंगल, जो कि एक जंगल था घिरा हुआ, डेंस का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिसमें आपको दिखता नहीं है कुछ भी, उसमें उनको एक हल्की सी एक वो जो फूरो था वो एक लाइट ग्रीन कलर का रिबन सा नज़र आ रहा था। थनयांग क्राइड, वी कैन फॉलो इट अप स्ट्रीम, कि हम इसे फॉलो कर सकते हैं। अर्ली नेक्स्ट डे आफ्टर देयर मॉर्निंग मील थनयांग एंड चेंगुन स्टार्टेड फॉर देयर क्वेस्ट। Both had bamboo tubes strapped to their backs to carry drinking water in them. Early morning क्या हुआ, early next day दोनों ने अपना morning meal लिया, थनयांग एंड चेंगुन उन्होंने अपना start कर दिया। Quest क्या होता है, खोज करना, search करना, जिस चीज़ को वो खोजने जा रहे थे उस चीज़ को उन्होंने start कर दिया। और दोनों ने क्या किया, bamboo की tube बनाई और उसको अपनी कमर पे बांध लिया ताकि वो उसमें drinking water carry कर सकें। They were children of the mountains. They steep climbed may have exhausted others, but not them. They were not afraid of the jungle either, because they lived close to nature. They knew that most of these dangers were imaginary. Only if one accidentally disturbed a wild animal would it attack. वो दोनों माउंटेन के चिल्ड्रन थे एंड क्लाइम करना मतलब पहाड़ों पे चढ़ना या उतरना उनको एक्सॉट नहीं कर सकता था क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे रहते थे, बट वो दूसरों को चीज़ कर सकती थी। एंड उन्हें जंगल से भी अफ्रेड नहीं था, वो जंगल से नहीं डरते थे बिकॉज वो नेचर के पास रहते थे, मतलब उन्होंने उस नेचर को पास से देखा है। एंड उन्हें पता था कि जंगल में कोई भी डेंजर नहीं होता, जो भी डेंजर आपको लगता है, जैसे होते ना बच्चे अगर जंगल में जाते हैं तो उन्हें डर लगता है कि यहाँ से कोई आएगा वहाँ से कोई आएगा, तो उन बच्चों के लिए वो कहते हैं कि ये तो एक इमेजिनरी है, ये हम सोचते हुए चलते हैं इसलिए हमें डर लगता है। हमें कब डर है, जब कोई वाइल्ड एनिमल अटैक करे, दैट इज़ द ओनली एक्सीडेंटली डिस्टर्ब्ड। सो फार दे हैड मेट विद ओनली वन ऑब्स्टेकल, a large python, but it just raised its blunt hammer-like head, flicked out its forked tongue, and slid away to a higher branch. अब so far आगे जाके वो एक obstacle से मिले जो कौन था, large python था, मतलब अजगर। वो जब उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ अपने head को जैसे वो उठा के रखते हैं ऊपर की तरफ उठा रहा था, अपनी फोक टंग जो काटेदार जीभ है उसे बाहर निकाल रहा था, एंड धीरे धीरे वो हायर ब्रांच पर स्लाइड हो गया, चला गया। बट हाफ वे अप द माउंटेन अ मोर सीरियस ऑब्स्टिकल केम देयर वे, अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स। चेंगुन सेड टेकिंग केयर नॉट टू मेक द लीस्ट नॉइस। बट आधे रास्ते पे क्या हुआ, जब वो माउंटेन के आधे रास्ते पे गए तो एक सीरियस ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मतलब होता है प्रॉब्लम, उनके रास्ते में आई, क्या थी, अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स, जो वाइल्ड जंगली हाथी थे उनका झुंड। चेंगुन ने क्या कहा, चेंगुन ने ऐसा कहा कि अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स, के वो तो एक झुंड है जंगली हाथियों का। टेकिंग केयर नॉट टू मेक द लिस्ट नॉइस, मतलब अगर हम टेक केयर करेंगे, मतलब सावधानी ही आपका बचाव है। दे क्रॉल्ड अप अ लिटिल अहेड, उन्होंने थोड़ा सा क्रॉल किया आगे, एंड दे कुड नॉट सी द हर्ड, वो उस हर्ड को नहीं देख पा रहे थे। दे द ग्रे ब्लैक हाइड्स ऑफ द एलिफेंट्स ब्लेंडेड टू वेल विद द फॉलेग, बट द साउंड्स मेड बाय द हर्ड as it fed grew louder. Soon it became clear that the elephants had chosen the spot as a feeding ground, and it seemed as if they might stay on for quite a while.
There was no question of trying to slip through that herd. Their path upstream was firmly blocked. अब हुआ क्या कि वो उनको देख तो नहीं पा रहे थे बिकॉज उन्होंने खुद को छुपा रखा था. फिर हुआ क्या कि फॉलिक क्या होता है लीव्स. अब जो एलिफेंट्स थे ग्रे ब्लैक जो एलिफेंट्स थे वो मतलब राउंड लगा रहे थे वहाँ पे पत्तियाँ खाने के लिए क्योंकि उनको खाना भूख लगी थी. एंड जो साउंड आ रही थी उस झुंड से एज इट फेड मतलब वो थोड़ी धीमी हो गई देन ग्रो लाउडर फिर से तेज हो गई. फिर सोन इट बिकेम क्लियर दैट और उन दोनों को जल्दी ही ये पता चला कि जो एलिफेंट का झुंड था उन्होंने उसी स्पॉट को जहाँ पे वो छुपे हुए थे उसी स्पॉट को अपना फीडिंग ग्राउंड बना लिया है मतलब खाने के लिए वो वहीं रुके हैं. एंड इट सीम्ड एज इफ दे माइट स्टे ऑन फॉर क्वाइट अ व्हाइल और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे. सो देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ ट्राइंग टू स्लिप थ्रू दैट हर्ट. सो कोई क्वेश्चन नहीं था कि वो वहाँ से निकले. एंड जो उनका अप स्ट्रीम वाला जो पाथ था वो क्या हो गया था थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गया था मतलब उन एलिफेंट्स ने ब्लॉक कर दिया था जिससे वो आगे नहीं जा पा रहे थे. सो ये आपकी यहाँ तक की स्टोरी है. स्टोरी इंटरेस्टिंग है मज़ा आ रहा है. आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा. सो गाइस दिस इज माय ईमेल आईडी. इफ़ यू नीड मोर वीडियोस और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इफ यू वांट टू do any comment so you can send email on this email id. Thank you everyone. Thank you for watching.